सभी लर्नर्स को नागेंद्र का नमस्कार और मैं मेटामॉर्फोसिस की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ, रात के लगभग 1 बजने को हैं और मैं आपके सामने ये सॉल्यूशन लेके आज के एलटी पेपर का प्रस्तुत हूँ। और एलटी का पेपर, अगर आप मेरा फीडबैक जानना चाहेंगे तो पेडागोजी थोड़ा जरूर फैक्टफुल आया था, जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं आ पाया, लेकिन लिटरेचर का पोर्शन बहुत ईजी था। ग्रामर वॉज जस्ट ए केक वॉक एंड बहुत ईजी था ग्रामर का पोर्शन भी। और मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने ठीक एग्जाम से एक दिन पहले एक ग्रामर का वीडियो डाला था, जिसे मैंने कहा था अगर आप देख लें और मेरा सार्थक होगा ये लाना, अगर आप इसमें से कुछ आया तो। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उसमें से 3 क्वेश्चन तो स्ट्रेट आए हुए हैं। एक मैंने सिनोनिम बताया था रैथ का, एंगर, वो आया हुआ है। दूसरा मैंने बताया था एक रूल नंबर 231 प्रोनाउन से, तो वो भी आया हुआ है, जिसमें पहले आपने थर्ड पर्सन लिखना है और फिर फर्स्ट पर्सन आई लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है जो एडजेक्टिव, मैंने बताया था 7 लैटिन एडजेक्टिव याद कर लीजिए, जिसमें जूनियर वाला आया है, जो जूनियर 10 नहीं होता, जूनियर 2 होता है। इसके अलावा मैंने जो सजेशन दिए थे उसमें से भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि मैंने आपको एक और वीडियो डाल के बोला था उससे पहले, जब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी एग्जाम की, उसमें बोला था कि आप क्लास 11, 12 की बुक और ग्रेजुएशन की बुक से मेजर चैप्टर जरूर देख लें, तो उसमें से जो है 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं 11th और जो है आपके स्कूल एजुकेशन वाली बुक से। तो आशा करता हूं कि आपने इसको सीरियसली लिया होगा और आपका पेपर अच्छा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ पूरा सॉल्यूशन पेडागोजी के साथ और इंग्लिश के साथ, ग्रामर के साथ। तो चलिए करते हैं, मैं शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन और 1 by 1 सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले पेडागोजी के पेपर में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर नजर डालें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंपल्सरी फ्रॉम विच क्लास। तो ये जो है आपका ऑप्शन है सी, क्लास 1 से 6 तक ये माना गया एनसीईआरटी 2005 में कि इंग्लिश कंपलसरी हो। और उसके लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी आप साइट में देख सकते हैं कि डिसाइड हो चुके हैं कि क्लास 1 में किस लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए और क्लास 6 में किस लेवल की। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए, जो एक अच्छे टेस्ट, जो गुड टेस्ट होता है, उसकी जो क्वालिटीज होती हैं वो बेसिकली एक होती है वैलिडिटी और दूसरी होती है आपकी रिलायबिलिटी और तीसरी होती है ऑब्जेक्टिविटी और चौथी है आपकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, पांचवी यूजफुलनेस या आइडिया के लिए बता दे रहा हूं और छठी होती है डिफरेंशिएशन, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। तो कौन सा जो है एक टेस्ट की अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो इसमें सब्जेक्टिविटी आएगा और दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3 में चलते हैं। बाय होम द 16 पीएफ क्वेश्चनर पर्सनालिटी इज मेड ऑफ, ये जो था ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करता है और ये सी ऑप्शन है, रेमंड बर्नार्ड कैटल ने इसको दिया था। सो दिस इज आंसर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके लिए हम चलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये जो डी वाला है ये करेक्ट है। इसके बाद फिर डिफाइनिंग प्रॉब्लम होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन होता है, एक्शन हाइपोथेसिस होता है, टूल्स डेवलपमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान होता है, डेटा एनालिसिस रिपोर्ट, ये सब। लेकिन पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है। अब चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोरसाइट इज कंसिस्टेड इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये जो थ्योरी है ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग आती है बेसिकली। तो ये आप देख लीजिए, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद छठा है, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ मेंटल इमोशन ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू ब्रोनर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं होता, बेसिकली इनएक्टिव मोड होता है उसका, ठीक है। और 0 से 18 मंथ तक आपको पता है एक आइकॉनिक मोड होता है और 18 से 6 साल तक ये होता है और सिंबॉलिक होता है 6 साल के बाद।
लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं होता, तो ये करेक्ट है इसके लिए. उसके बाद हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट, तो इसको देखते हैं. ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है. तो ये जो भाटिया जी थे बेसिकली IITM थे और दिल्ली से किया था इन्होंने, प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, ठीक है. और इन्होंने जो है अपना जो टेस्ट दिया था, CM भाटिया इनका नाम था. इसका जो आंसर होगा सी, इन्होंने 5 जो है बेसिकली ये बताए हैं जो सब टेस्ट हैं इस इंटेलिजेंट टेस्ट के. हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट. रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट में आपको अपने सारे स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ जब मैं एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था. तो रोशा के टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि 10 कार्ड होते हैं, आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, जिसमें 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और 5 कलर्ड होते हैं, तो टोटल 10 है. तो इसका जो आंसर है वो डी है, दिस इज द करेक्ट आंसर. अब हम चलते हैं 8वें के बाद 9वें 10वें 11वें और इसको देखते हैं क्या है. 9वें में इन विच टीचिंग मेथड द न्यू रूल्स और प्रिंसिपल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम एग्जांपल, तो ये बहुत आसान है और इसका जो आंसर है वो इंडक्टिव मेथड है. आप सबने पढ़ा है और आप जानते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस एग्जांपल और इनको स्टडी करके जो हम रूल निकालते हैं अपने बनाते हैं वो इंडक्टिव मेथड होती है. फिर क्लास जो है 10th है, 10th में अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, तो बेसिकली ऑपरेशनल थॉट और रैशनल थॉट्स ये हैं जो लॉजिकल रीजनिंग वो सब इसमें डेवलप होती है. तो इसका ऑप्शन है बी 7 से 12 साल, कुछ किताबों में 7 से 11 साल भी दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑप्शन एक ही है जो इससे मैच करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर. आते हैं 11वें में जो आंसर है करेक्ट डी है कि जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन का वो लेस देन 70 होता है, ठीक है. तो ये आंसर हो गया आपका. उसके बाद आते हैं हम 12वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखें. तो 12वां क्वेश्चन जो है आपका कहता है करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है, इस टर्म का, ह्यूरिस्टिक मेथड का. तो इसका बहुत ही जो है साफ आंसर है सी, कि ह्यूरिस्टिक मेथड में क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम पहले होता है, फिर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. ह्यूरिस्टिक का मतलब आप जानते हैं, मैं खोजता हूँ, ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, हेरिस्को से आया है, आर्मस्ट्रांग ने दिया था. तो ये फिर ये जो मेथड होते हैं क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद फिर पुष्टिकरण आता है और फिर निष्कर्ष आता है, तो इस तरीके से चलता है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. अब 13वें में आते हैं, इन विच प्लान स्कूल इज कंसीडर्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. डाल्टन प्लान है, डाल्टन प्लान बहुत ही अच्छा 3 स्ट्रक्चर्ड प्लान था देखिए, और ये जो है बहुत ही इनोवेटिव एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने 3 स्ट्रक्चर में, एक तो कहा था स्कूल हाउस की तरह होना चाहिए बिल्कुल, और दूसरा इन्होंने कहा था कि असाइनमेंट जो है वो बच्चे के इंटरेस्ट को क्रिएट करने वाले होने चाहिए, और तीसरे होते हैं लेबोरेटरी जो है वो डीप एनालिसिस जहाँ सीखे अपनी पसंद को होनी चाहिए. तो 3 स्ट्रक्चर दिए थे. तो ऑफकोर्स आंसर डाल्टन प्लान और डाल्टन प्लान है जो बच्चे को स्कूल को होम की तरह कंसिडर करता है. अब हम आते हैं 14, 15, 16 को अभी देखते हैं. राइट टू एजुकेशन एक 2009 में, ये आप सभी को पता है जो स्कूल पढ़ाते हैं वो भी देखते हैं कि हर साल CBSE स्कूल में 25% सीट जो है वो डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ सोसाइटी को जाती है. तो ये 14 का आंसर हो गया आपका डी. 15 में आते हैं, किसने थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म प्रोपाउंड की थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बी थॉर्नडाइक ने किया था, जिसे SR भी कहते हैं, जहां हम SR फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल जो है साइकोलॉजी कहते हैं. लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस, स्टिमुलाई एस और आर. तो ये बेसिकली प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म में थॉर्नडाइक का नाम हमारा आएगा 15वें का. अब आते हैं 16, 17, 18 में, और 16, 17, 18 में टाइप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट इज, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका कुलमैन एंडरसन इंटेलिजेंस टेस्ट. ये बेसिकली टेस्ट एक इंडिविजुअल के लिए होता है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसमें स्किल्स को नापा जाता है पर इंडिविजुअल के 8 सब सेट में डिवाइड करते हैं, और हर सबसेट के अंदर 7 लेवल के टेस्ट होते हैं, तो 8 के अंदर 7 लेवल के टेस्ट होते हैं, ये इसमें एक इसका आंसर होगा. 17 में आ जाते हैं, BF स्किनर ने ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं एक्सट्रिंसिक को, क्योंकि स्किनर साहब ने जो दिए थे उन्होंने बेसिकली 2 दिए थे, एक तो लीनियर, और लीनियर को उन्होंने कहा था जो है बेसिकली एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं,
और दूसरा दिया था जो प्रोग्रामिंग वो था ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। तो ब्रांचिंग जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। तो इसका जो एक्सट्रिंसिक वाला है वो लीनियर है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इज करेक्ट आंसर। इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू विच फेज ऑफ टीचिंग, बहुत आसान है, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, क्योंकि जब हम पढ़ा लेते हैं उसके बाद इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद 19वां, 20वां, 21वां देखते हैं। इसके लिए लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट बाई द ग्राफ इज, ये बहुत आसान है। देखिए जो ग्राफ होता है आपने देखे हैं लर्निंग कर्व, वो कोई ऐसे बनते हैं कोई सीधे बनते हैं। तो ये लर्निंग कर्व के जो ग्राफ होते हैं वो बेसिकली प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ लर्निंग को दिखाते हैं कि किस टाइम के हिसाब से और आगे लर्निंग के आवर्स के बीतने के साथ साथ कैसी प्रोग्रेस चल रही है। फिर 20वां जो होता है टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टीम टीचिंग जो डेवलप्ड की थी वैसे तो वो 1955 के करीब मिशिगन और हार्वे ने की थी, लेकिन जे फ्रीमैन ने उसको डेवलप किया था बाद में, तो जे फ्रीमैन पे हम जाते हैं इसमें। 21वां जो है, 21वां क्वेश्चन होता है, कम्स अंडर द एक्वायर्ड मोटिव्स आर, एक्वायर्ड मोटिव्स के अंदर कौन आता है, तो डी हम जाएंगे, कॉपरेशन एंड कम्पटीशन। बेसिकली एक्वायर्ड मोटिव्स वो होते हैं अ मोटिवेशन विच इज नॉट इनबॉर्न, जो इनबॉर्न नहीं होता और डज नॉट सेटिस्फाई बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, इसको सोशल जो है मोटिव भी कहते हैं। तो एक्वायर्ड मोटिव्स बेसिकली ये होता है डी वाला। अब चलते हैं हम 22, 23, 24, ठीक है, और इसको देखें तो द स्केलोग्राम मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट वॉज प्रोपगेटेड बाई, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ए है, गटमैन ने ये किया था, स्केलिंग की जो टेक्निक है, और ये जो है बेसिकली एक हायरार्कल मैनर में जो है इसको पूरा एलिमेंट्स को क्रिएट किया जाता है इस मेजरमेंट पे। तो ये स्केलिंग जो है स्केलोग्राम मेथड गटमैन ने दी थी, विच इज द फर्स्ट सोर्स इन द फेज ऑफ मोटिवेशन। ऑफकोर्स द फर्स्ट सोर्स इज नीड, ठीक है, हायरार्की है मैस्लो की आपने पढ़ा है, ठीक है, नीड है, फिर बाकी चीजें आती हैं, तो सबसे पहले ये है। इसके बाद आते हैं 24वें में, 24वें की बात करें तो कॉन्सेप्ट लर्न बाय ए स्टूडेंट इन हिस्ट्री क्लासेस, जब एक कॉन्सेप्ट जो हमने लर्न किया वो दूसरे में हेल्प करता है तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं, आप जानते हैं, और इस तरीके से ये ए हो जाएगा 24वें का। 25वें में आते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम इन द टेस्ट, इसमें मैं थोड़ा सा डाइसी है मामला, तो इसमें मैं आपसे कहूंगा थोड़ा आप कंफर्म करें, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि जहां नंबर ऑफ आइटम्स हम बढ़ा दे दें तो वैलिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि सी होगा, ठीक है, और आप देख लीजिए इसमें मैं बहुत ही 100% सर्टेनिटी के साथ आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, जब असली जो है आ जाएगी आपकी की तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगला, द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर्स क्वालिटी, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रोफेशनल क्वालिटी, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज रखते हैं तो आपकी टीचिंग में सुधार होगा, आप टीचिंग को अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे और बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से उनको जान और समझ पाएंगे और आगे उनको पढ़ाने के लिए स्ट्रेटजी क्रिएट कर पाएंगे। 27वां जो है वो इन साइकोलॉजी टू शो वन सेल्फ लाइक एनी अदर, तो आप जानते हैं कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके लिए सिगमंड फ्रायड ने भी कहा था, तो ये ऐसा ही डिफेंस मैकेनिज्म आइडेंटिफिकेशन है जिसमें एक आदमी दूसरे की तरह अपने को शो करता है, ठीक है, वो पसंद करता है। अब आते हैं 28वां, पीपल हु कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर एंगर, अगर आप पर्सनैलिटी की थ्योरी में गए होंगे आपने देखा होगा एस्थेनिक एक अलग किस्म के लोग होते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर से जाने जाते हैं, पिकनिक भी अलग तरीके के, रिलीजियस जो है इसके लिए मुझे अप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि रिलीजियस में जो है वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते एंगर, थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप होते हैं, ठीक है, एथलेटिक काफी सुडौल लोग होते हैं और काफी पावरफुल भी होते हैं, ठीक है। आगे आप चलते हैं 29वें में, 29वें का जो है डी होगा ब्रूकर, ये जो कहा था वो ब्रूकर ने कहा था, इसलिए ये जो है कथन जो है आप याद कर लें ब्रूकर ने कहा था। 30वां है हु सेज दैट, ये भी एक कथन है, ठीक है, और ये कथन जो बोला है वो बेसिकली डांडेकर ने बोला है, ठीक है, तो ये डांडेकर को आप टिक कीजिएगा। अब हम आते हैं 31वें क्वेश्चन में, तो थोड़ी देर की और बात है, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। विच ट्रेजेडी हैज नॉट बीन रिटन बाई शेक्सपियर, हमारा जो है लिटरेचर पोर्शन शुरू हो गया है, तो जो रिटन बाई शेक्सपियर जो नहीं लिखी है शेक्सपियर ने वो आप जानते हैं स्पेनिश ट्रेजेडी है, थॉमस पिट की, जो यूनिवर्सिटी विट था, ठीक
ठीक है, रिवेंज ट्रेजेडी 32 में आ जाते हैं। जो एडिटर था पीरियोडिकल द एनकाउंटर का, वो हेरोल्ड जो है स्पेंडर स्टीफन था, ये आप लगाइए ए। विच यूरोपियन सिटी वॉज विलियम बटलर यीट्स बॉर्न इन, तो ये बेसिकली सैंडी माउंट है और ये डबलिन में है, तो ये आप लगा लीजिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। द राइम स्कीम ऑफ एक्सपीरियंस ऑन इट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ, लास्ट में कपलेट होती है जी जी, तो ये बनता है डी। द करेक्ट फॉर्म वर्ब फॉर्म, अब आप देखिए कि इसमें प्रेजेंट डेफिनेट चल रहा है, वॉच के सिंगुलर है तो एस लगेगा, दिस वॉच कीप्स तो ए सेक्शन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 36 एंटोनिम ऑफ द वर्ड एस्ट्यूट, एस्ट्यूट एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम कोई भी आदमी बहुत तेजी से किसी चीज को अंडरस्टैंड करता है और क्लियरली समझ जाता है और वो शार्प माइंड होता है, तो हम समझ सकते हैं कि इसका जो है फुलिश होगा इसका एंटोनिम। हु वाज द यंग आयरिश फुटबॉलर, ये आ गया है आपके जो है 11 12th वाले कोर्स से, इस बार 5-6 क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं, तो ये काफी जो है इससे लोगों को जिन्होंने कोर्स में नहीं गया होगा, हालांकि मैंने वीडियो में आपको बताया कि इस कोर्स से होके जाएं जरूर मेजर चैप्टर्स, लेकिन आप जो लोग नहीं गए उनको थोड़ा सफर करना पड़ा होगा। तो आयरिश फुटबॉलर जिसे सोफी मिलती है, सोफी एक बड़ी इमेजिनरी गर्ल है, वो रहती है इमेजिनेशन में और वो डैनी कैसी की फैन है, तो डैनी कैसी से वो मिलती है, बेसिकली ये फुटबॉलर है। तो ये है, और ये इसके बाद ये जो फ्लेमिंगो की किताब से है बेसिकली डैनी कैसी वाला क्वेश्चन, गोइंग प्लेसेस नाम है इसका चैप्टर का, आप देख सकते हैं गोइंग प्लेसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी पीस इज ऑलवेज अ शॉर्ट अम्यूजिंग अकाउंट, ये बहुत आसान है, एनेक्डोट होते हैं ये, जो रियल शॉर्ट चीजों को जो हैपन हुई है रियलिटी में उनको बताते हैं शॉर्ट में। फिर आते हैं 39, इंग्लैंड में प्यूरिटन्स ने ऑफकोर्स 1642 में सिविल वॉर की वजह से थिएटर क्लोज हो गए थे, तो ये रहे आपके क्वेश्चन। अब आते हैं 40, ऊपर दूसरे कॉलम में आपको देखेंगे इसी के बगल में, क्योंकि यहाँ पर हिंदी वाला कोई सवाल नहीं है। तो 40 में अब आप देखिए, 40 को अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज द नेम ऑफ, ये बिल्कुल इजी हो गया, लिटरेचर बहुत इजी आपका आया हुआ है जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, डेस्टिमोना है। पैराडाइज लॉस्ट, ये कितना इजी क्वेश्चन देखिए, जॉन मिल्टन, ठीक है। उसके बाद सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी, ये बैलड है जिसमें फोक स्टोरी और फोक सॉन्ग्स नरेशन से स्टार्ट हुई थी, बेसिकली चीजें। 43 में और 44, 45, 46 में आते हैं द सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर अवर गेस्ट विल देखें तो जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, सीधे सीधे अराइव होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। टू कास्ट पल बिफोर ए स्वाइन मीन्स, तो ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि टू गिव प्रेशियस थिंग्स आइडियाज टू दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड, ऐसे लोगों को अच्छी चीजें देना जो उसकी वैल्यू नहीं समझते, ठीक है। उसके बाद 45 में आते हैं, ये काफी फेमस लाइन है आपको पता है, और ये फेमस लाइन बेसिकली एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की, जो ग्रेवयार्ड पोएट्री में मेजर पोइट्स में आते हैं, तो उनकी है, और जिसमें से जो है आपको पता है कि पहली लाइन से भी जो है एक नॉवल का पूरा फ्रेमिंग हुई है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, द टेल ऑफ मेलॉन सिटी इज कम्पोज बाय, ये भी आपका जो है बेसिकली जो है इंटर के कोर्स से आ गया है, तो अब अगर आप इसमें देखें तो विक्रम सेठ का लिखा हुआ है और ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, कॉमेडी है पूरी, ठीक है। इसमें किंग को हटा के लास्ट में किंग फांसी में चढ़ जाता है और मेलन जो है वो राजा बन जाता है, गद्दी में मेलन को बिठा दिया जाता है, एक बूढ़े आदमी को बुलाया जाता है। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन, ये जो क्वेश्चन है ये है बायोग्राफी लिटरेरिया में आता है, जो बहुत फेमस बुक है 1817 में, क्रिटिकल बुक है जिसमें फैंसी इमेजिनेशन की बात भी होती है, वर्ड्सवर्थ के डिक्शन को भी बहुत जो है दुत्कारा जाता है कॉलरिज के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 48, माई ब्रदर इज, इसमें देखिए मच हो नहीं सकता, ठीक है, वेरी हो नहीं सकता, सो होगा, सो इज दैट ही कैन हेल्प एनीबॉडी, टू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो टू के कॉम्बिनेशन को लेगा और वो नेगेटिव हो जाता है। फिर आते हैं 48 के बाद, देखिए 49 में जब हम आते हैं तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये जो मैंने अपने इंस्टा जो है टेलीग्राम में शेयर किया था उसमें इसमें ये क्वेश्चन उसमें से आया है, तो होमिसाइड इसका करेक्ट होगा। शाहिद वॉज, देखिए फिर से ये एक जो है आपके कोर्स से आ गया है, ये द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड से आया हुआ है बेसिकली, और अमिताभ घोष ने लिखा है,
ये बेसिकली शाहिद जो इनका पोइट फ्रेंड है और दोस्त है, और एक बहुत अच्छा जो हर रिलीजन की जो है रिस्पेक्ट करता है और बड़ा फूडी भी है, और उसके अलावा वो कैंसर से जूझता है, तो उसकी डेथ और इसके बारे में है पूरा, वेरी इमोशनल एंड गुड चैप्टर, तो रिस्पेक्टफुल टू रिलीजन है मेरे ख्याल से बिल्कुल. ऑफ क्योंकि और चीजें उस पर सेट होती हुई मुझे नहीं दिख रही. 51 पे अगर हम आए तो 51 को देखें, हु सेड पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, ठीक है, बी है, कई बार आपकी आंखों से गुजरा होगा पढ़ते वक्त. वैसे मैं बता दूं ये 1888 का ऐसे था और इस ऐसे का नाम था द स्टडी ऑफ पोएट्री, आर्नोल्ड का द स्टडी ऑफ पोएट्री. द वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस विल बी द माई फ्रेंड्स, जो है बहुत आसान है, ये यस्टरडे आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ सौ होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. उसके बाद हम चलते हैं 53 में, 53, 54, 55, और इसको देखते हैं, हूज मेमोरी डिड टेनिसन राइट इन मेमोरियम. ये भी आपको पता है कि ऑर्थर हेलम जो है उनका दोस्त जो जल्दी ही मर गया था, उस पर लिखिए, हू सेड द फॉलोइंग आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो 54 का बेसिक वॉल्ट विटमैन है, जो बेसिकली आपको पता है डेमोक्रेटिक पोएट कहा जाता, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, लीव्स ऑफ ग्रास जिसकी बहुत जबरदस्त पोयम है, और ये जो है सबसे ज्यादा फेमस इनका वर्क था, तो इन्होंने ये पोयम लिखी है, वॉल्ट विटमैन. फिर आते हैं इन आनंदाज अनटचेबल, दे थिंक वी आर मियर डर्ट बिकॉज वी आर मियर डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट. ये बखा अपने फादर से कहता है, तो बखा टू लाखा होगा, जिसमें लाखा उसको एकदम किनारे को कर देता है, धक्का मारता है, ब्रश कर देता है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसकी बातों से उसके फादर को बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं होता है. अब आते हैं 56 एंड 57. 56 में द आर्टिकल इन द ब्लैंक स्पेस विल बी गिवन माउंट एवरेस्ट. बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये हाईएस्ट है, तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में तो हमेशा द लेगी, तो ये हो गया. सी हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये भी बहुत आसान है, सरोजनी नायडू. उसके बाद हम चलते हैं 58 और सेकेंड कॉलम में, इफ यू वर्क हार्ड. मैंने ये आपको फिर से मेरा बताया हुआ आ गया है, जो वीडियो में ये पांच जो है एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसमें मैंने बताया था कि जब इफ कंडीशनल आता है तो पहला प्रेजेंट डेफिनेट होता है और दूसरा फ्यूचर होता है, तो ये विल लेगा. इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, तो ये हो गया. बेकन अपने एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहता था, क्योंकि वो कहता था मेरे ऐसे में एक ही थॉट नहीं होता, बल्कि वो स्कैटर्ड बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलके जो है उसको मेरे आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो वो एक स्कैटर्ड या डिस्पर्स तरीके के मेडिटेशन है. हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी एनिमी, तो एनिमी के जो राइटर हैं वो है पर्ल एस बक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये वाला भी आप याद कर लीजिएगा, अगर आपका सही नहीं हुआ है तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है. उसके बाद आते हैं मुकेश इज जूनियर, ये फिर से मेरा बताया हुआ वीडियो में जो मैंने बताया था वो आ गया है. जूनियर सीनियर और जो है सात लैटिन एडजेक्टिव मैंने आपको लिखाए थे, उनके साथ बेन नहीं आता, टू आता है, देखिए हूबहू वही क्वेश्चन आपके सामने पेश है. उसके बाद 62 पे आते हैं, 62 में द करेक्ट मीनिंग ऑफ सिनोनिम ऑफ द वर्ड रैट, फिर से ये मेरा बताया हुआ आ गया, आप जाइएगा मेरी वीडियो में, वहां ये दूसरे तीसरे नंबर पे सिनोनिम लिस्ट में मिलेगा रैट, रैट का मतलब होता है एंगर. 63 में आते हैं, आर के नारायण ने कौन सी लिखी है इसमें से, तो इनमें नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि थॉमस हार्डी की लिखी हुई किताबें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं. फिर आते हैं हु इज द राइटर ऑफ दीज फेमस लाइन, तो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, तो ये आपको पता है कि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन, ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन आ गया, और ये आपका 64 भी हो गया. इसके बाद 65 आते हैं, जॉन डन की पोएट्री आपको पता है विट के लिए तो जानी ही जाती थी, ह्यूमर के लिए भी, ऑब्सक्योरिटी के लिए भी जानी जाती थी, ऑब्सक्योरिटी के मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, तो डी होगा ऑल ऑफ द अबव. अब हम आते हैं 66 में, तो 66 क्वेश्चन कहता है कौन राइटर है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का, तो ये थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया है, तो मैं आपका जो है आंसर बता दे रहा हूँ, क्या पता आपका जो है वो लगा हो अगर ब्लाइंड गेस, तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इसका आंसर है. पोयम द डेफोडिल्स आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है, ठीक है, और उसके बाद 68, 69 और 70 में आते हैं, द करेक्ट रीअरेंज सेंटेंस, बहुत आसान है, प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है,
जल्दी से करेंगे, वी डू नॉट नीड एनी मोर डॉग्स, तो ये हो गया ए वाला। थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट, ये आपका होगा फेंड इलनेस, क्योंकि डिड नथिंग आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट लगेगा। The appropriate verb which is in agreement with the subject will be the news. News के साथ is आता है, news is true, ठीक है। इसके बाद 71 में आ जाते हैं, the protagonist of the famous novel of Narayan, the Bachelor of Art, of course is Chandran. Chandran is the correct answer. In the words of, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. जब हम ये 72 वाले की बात करते हैं तो उसका है डी लेस्टर ब्राउन के कहे गए शब्द हैं ये। उसके बाद कौन सा फ्रांसिस बेकन में इसने लिखा था, तो ऑफ स्टडीज लिखा है, बाकी कोई चार्ल्स लैम का है, कोई एडिसन और स्टील के हैं ऐसे, ठीक है। आगे आते हैं 74, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, फिर से 11th-12th की किताब से आ गया है, ठीक है। और ये फिर से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पढ़ाते हैं स्कूलों में या जिन्होंने किताबें देखी हैं, वैसे मैंने सजेशन दिया है आपको। तो इसमें जो है आपका ये पुअर आर्मेनियन लड़के होते हैं जो एक घोड़े को चोरी कर लेते हैं, बाद में इनकी जो है रेपुटेशन स्टेक में आ जाती है क्योंकि इनकी फैमिली का ऑनेस्टी पे नाम होता है। 75th जो है उसका आंसर होगा सी, ब्लूम्सबरी ग्रुप, इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, वर्जीनिया वुल्फ इनमें मेन थी किरदार, और भी बहुत लोग थे वो आप देख सकते हैं। 76th का जो है होगा सी, ये बहुत आसान है, ऑल आर टोल्ड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। अब आगे आते हैं 76 के बाद इधर के कॉलम में इस साइड के 77 आता है। जब इस सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे, आप गौर से देखिए दोनों पास्ट में एक के बाद एक काम हुए हैं, तो हम इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं, तो ये होगा हैविंग रिटन ए लेटर शी पोस्टेड इट। 78 में आते हैं लिरिकल बैलेड्स की जो है, लिरिकल बैलेड जो है वो अमेरिका में जो है 1802 में आती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पब्लिश होती है। उसके बाद आते हैं 79 में हम आते हैं, व्हाट इज द राइट ऑर्डर ऑफ द स्टेंजाज ऑफ पिंडारिक ओड। पिंडारिक में स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी एपोर्ड आपने पढ़े, स्ट्रॉफी जो होता है एंटी क्लॉक वाइज, एंटी स्ट्रॉफी क्लॉक वाइज, और एपोर्ड एक पॉज होता है, तो यही तीनों आती हैं, तो ये चीजें ये आएगी। और 80th का जो है वो बी होगा, फिर से ये अमिताभ घोष की स्टोरी है अपने जो है दोस्त की डिमाइस में, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है और थोड़ा इमोशनल भी काफी है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 81 है फेमस मैन ऑफ जीनियस। इसमें थोड़ा मैंने रिसर्च की है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि मेरी रिसर्च कहती है कि 99% सही होगा, फिर भी आप थोड़ा इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि इसमें कोई जो है दूसरा आंसर भी आ सकता है, 1% चांस है। लेकिन मैंने ये जो रिसर्च किया है जॉन स्टुअर्ट मिल का लग रहा है, जिसमें जो है बेसिकली वो एक उस समय रिचर्ड फेनीमैन पे केस स्टडी करते हैं, और उस केस स्टडी का नाम होता है अ केस स्टडी ऑफ जीनियस। तो इसमें ये जीनियस और इसके बारे में बताते हैं। दूसरा ऑप्शन कई लोग ये भी देख सकते हैं, थॉमस कार्लाइल, उन्होंने भी पर्सनैलिटी पे कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन मैं जेएस मिल पे ज्यादा जाऊंगा, इसके जेएस मिल को हम मानेंगे जब तक कि आए। 82 में चलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमे की थ्योरी थी, जो ह्यूम की थ्योरी थी उससे जो है शैली बहुत प्रभावित थे, और उनके ही कुछ पेपर पढ़ने के बाद इन्होंने तुरंत नेसेसिटी ऑफ एथीज में लिखी थी। ये राजस्थान में पीजीटी में आ चुका है राजस्थान। उसके बाद 83 में आते हैं द ब्लैंक स्पेस, बहुत आसान है ये, मेरा फिर से ग्रामर का आ गया, रूल नंबर 231, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट, माई पेरेंट्स एंड आई लिव टुगेदर। उसके बाद आते हैं हम 84 में, बस थोड़ा सा पेपर और बचा है। 84 जो है मैं जो ब्लैंक में आपका पोप की जो लाइन थी, टू आर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो यहाँ से 2 आएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 85 में आते हैं ये टेल ऑफ मेलोन सिटी, विक्रम सेठ का फिर से आ गया आपका 11th-12th से, इसमें मैंने बताया था एक बूढ़े आदमी की मदद लेते हैं, ये हो गया। 86 वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड जो है, इसके बारे में आपको पता है, फिर मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर बी है। वैसे वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड 1799 में लिखनी शुरू हुई थी और 1805 में वो पूरी कंप्लीट हुई थी। द एक्सप्रेशन इज स्लीपलेस नाइट, बहुत फेमस फ्रेज है, इसमें जो कई बार पूछा गया ट्रांसफर्ड एपिथेट का केस है, ठीक है, तो ये इसका हो गया। 88 में आते हैं
मीनिंग ऑफ द फ्रेज इंटर एलिया, इंटर एलिया का जो मीनिंग है वो बेसिकली है अमंग अदर थिंग, दूसरी चीजों के मध्य। तो ये काफी चलता हुआ फ्रेज है जो लोगों को पता रहता है। 89 हु सेड पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन एंड द पैशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कई लोगों का गलत भी हो सकता है, विलियम हेजलेट का है और उन्होंने एक ऐसे लिखा था ऑन पोएट्री इन जनरल, इससे ये लिया गया है ऑन पोएट्री इन जनरल। विच राइटर रिसीव द पुलित्जर प्राइज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपको पता है, ठीक है, चार बार। उसके बाद हम आते हैं जल्दी से, बस ये लास्ट में पहुंच रहे हैं, 91 में। स्टिल वाटर रन डीप, तो यहाँ पर ये बहुत आसान ग्रामर का क्वेश्चन है, ये वाटर को नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और ये स्टिल जो है इसलिए एडजेक्टिव होगा, सी आंसर। टेनिसन की यूलिसिस जो है किसकी डेथ के तुरंत बाद लिखी गई, तो ये भी बहुत आसान है, इसमें ऑर्थर हेलम की डेथ के तुरंत बाद। वर्ड्सवर्थ से जैसे कॉलरिज रिलेटेड है, एडिसन के था स्टील। कुछ क्वेश्चन तो आपके जो है इतने इजी आए हैं कि आपको ही खुद विश्वास नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 94 में आते हैं, मिस्टर टॉकर हैरिस, ये भी फिर आपकी 11th की जो बुक से आ गया है, तो 11th 12th की बुक से ये क्वेश्चन है और इसका बुक के चैप्टर का नाम है द ब्राउनिंग वर्जन, क्लास 11th की टेरेंस रेटिगन की लिखी हुई कहानी, बहुत शानदार। और इसमें क्लास 5 ग्रेड को ग्रीक पढ़ाते हैं, क्लासिकल लिटरेचर, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता बच्चे को। 95 का बी होगा, 1795 में जॉन किट्स जो है की जो है बर्थ डेट है बेसिकली। और अब हम आते हैं 96, और इसमें है पैसिव वॉइस, बहुत आसान है, ही सेंट मी ए गिफ्ट, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट है, आप बदलेंगे तो ऑक्सिलरी वॉज आ जाएगी। अ गिफ्ट वॉज सेंट टू मी बाय हिम, हु एनविजन्ड दिस लाइन, हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ ब्रेन, ये भी बहुत बार गुजरा हुआ क्वेश्चन है और ये आपका है हार्डी का, द मेयर ऑफ कसर ब्रिज का क्वेश्चन है। 98 पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, वन वर्ड और द अबव, बहुत आसान है, ये कंटेम्प्रेरी होते हैं, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था उसी में से ये भी आया है, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ ग्लूमी इज ऑफ कोर्स ब्राइट, ग्लूमी जो है बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है और निराशा है पूरा। और लास्ट है मैथ टीचर, जो ये वाला जो क्वेश्चन आया है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, फिर से 11th 12th के कोर्स से आया है और बेसिकली जो इनका टीचर है वो मैथ्स का वो है कोच ब्राउन, इनका हिस्ट्री टीचर है, यान इसका दोस्त है, अर्नेस्ट विल वो डॉक्टर है जो मेडिकल सर्टिफिकेट इसको प्रोवाइड करता है, कोच इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ ब्राइट है जो ग्लूमी का और यहाँ कंटेम्परेरी, तो इस तरीके से ये आपका पेपर रहा और ये पेपर जो है आपका पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पेपर है तो कुछ लोगों ने पेडागोजी कम कर दी है, कुछ लोगों ने ज्यादा लगा दिए तो नेगेटिव हो गए मार्क्स, ज्यादा ईजी आ, मैंने कहा था ज्यादा इजी आएगा तो नेगेटिव कम मारना, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ शक रहा तो मार दिया, कुछ आपको गलत भी होंगे। तो मैं जो लगता है मुझे जो 65 से 70 तक मेरिट जाएगी और मैक्सिमम 75, तो आप मान के चलें 75 में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मेरा अंदाजा है और आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व किया इससे मदद मिलेगी, थोड़ा टेंशन भी कम होगा और इसके बाद आप लेक्चरर की तैयारी में जुट जाइए। और मेरे वहाँ कल से बैच शुरू हो रहे हैं, आप आइए, आपने देख लिया है कि ग्रामर लिटरेचर में और पेडागोजी हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं और आए हैं, बच्चों को पता है, रियलाइज हुआ है। तो कल से 5:30 बजे शाम को हमारी क्लास है, जिनको करना है वो आ सकते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और इस तरीके से जो है हमने ये आज का पेपर पूरा किया, तो आशा करता हूँ कि आपको ये, मैं होप करता हूँ कि ये ज़्यादातर पेपर जो है जितना भी हमने किया है वो पूरा जो है 99% सही होगा। और इस उम्मीद के साथ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया होगा और जो है आप लोग आगे लेक्चरर की तैयारी भी ऐसे ही सीरियसली करेंगे और जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखेंगे और जो है इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहें, मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।